हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऑलरेडी यहाँ पर दो वीडियो आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीमेडिक्योर से रिलेटेड वीडियो, एज वेल एज अगर बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड वीडियो। यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है पैसे कमाने की, तो इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। एज वेल एज यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर तीन हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, ब्रेकआउट स्टॉक, Q4 के रिजल्ट एज वेल एज स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में बात करने वाले एक कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब 13 जून को ही, और उसमें आपको बताया था कि बोनस इशू करने जा रही है। तो 1:1 का बोनस तो नहीं मिला, बट हाँ एक बोनस कंपनी ने डेफिनेटली यहाँ पर दे दिया है। तो कौन सी कंपनी ने यहाँ पर बोनस दिया है, क्या है, उससे रिलेटेड हम जानेंगे। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। तो हम जिस कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसका नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड आपको पता ही है, कुछ दिन पहले इसने बोनस अनाउंस किया था, और अगर हम देखें इसने डिविडेंड, इसके रिजल्ट आज की डेट में ही आए हैं। अगर डिविडेंड देखें तो यहाँ पर 3 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पर देख लिया फाइनल डिविडेंड 3 रुपीज, मतलब 3 रुपए का डिविडेंड दिया। और कब आ जाएगा? ये आएगा आपका 30 डेज में, और वो भी 30 डेज कब? इनकी एजीएम होगी, इनकी एक मीटिंग होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर उसके 30 डेज के अंदर अंदर में यहाँ पर ये डिविडेंड आ जाएगा 3 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। पहली बात। दूसरी बात, बोनस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, It is further informed that the board has recommended issue of bonus shares in the ratio of 3:1। मतलब अगर आपके पास इसके 3 शेयर है तो आपको 1 शेयर उनका फ्री मिलेगा। इन द सेंस, अगर आपके पास 300 शेयर है तो आपको 100 शेयर और मिलेंगे, तो आपके शेयर 400 हो जाएंगे। तो मतलब 3:1 में यहाँ पर आपको शेयर मिलते हुए दिखाई देंगे, तो अच्छी बात है, कम से कम 1 शेयर यहाँ पर आपको फ्री में मिलता हुआ दिखाई देगा। बट उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्राइस का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, सो डोंट बी कंफ्यूज कि प्राइस का एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो उसी हिसाब से प्राइस का एडजस्टमेंट भी होते हुए नजर आएगा। यहाँ पर रिजल्ट देख लेते तो रिजल्ट भी आएगा इन करोड्स में। यहाँ पर रिजल्ट है, अगर बात करते हैं यहाँ पर ये इस बार के रिजल्ट है, Q3 के रिजल्ट है इसी साल के, Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें 10,705 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम है। इससे पहले 10,311 का यहाँ पर 10,311 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल इनकम है। इससे पहले 10,409 करोड़ का यहाँ पर इनकम थी। अगर बात करें ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर टोटल इनकम में यहाँ पर जंप लगाया है, जो कि अच्छी बात है। एक्सपेंस की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,196 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है। इससे पहले 6,359, इससे पहले 7,100 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक्सपेंस होता हुआ दिखाई दिया था। तो ईयरली वाइज एक्सपेंस भी कम होता दिखाई दिया और क्वार्टरली वाइज भी एक्सपेंस होता हुआ कम होता हुआ दिखाई दिया। मतलब इसके जो नंबर है माइंड ब्लोइंग नंबर आने वाले हैं, बट इनका यहाँ पर टैक्सेस वगैरह आई थिंक ज्यादा जाता हुआ दिखाई दिया, बट कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है 3,515 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है ईयरली बेस पे, सॉरी इस क्वार्टर में। इससे पहले 3,323 करोड़ का था, इससे पहले 3,182। तो मतलब ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। और यहाँ पर EPS भी देखिए तो यहाँ पर EPS इनका जो है 7.42 रुपए का EPS है। इससे पहले 5.63 रुपए का EPS था, इससे पहले 4.22 रुपए का। तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर EPS बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मतलब कल की डेट में ये शेयर आपको भागता हुआ दिखाई दे तो कोई चौंकना मत, क्योंकि कंपनी ने काफी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट पेश करे है ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे। और इस कंपनी में कंसिस्टेंसी देखिए तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो डाली है, इसे आई बटन पे दे दूंगा, इस वीडियो को देखिएगा। इसका आपको बिजनेस मॉडल एज वेल एज या इसके फाइनेंशियल क्वार्टरली ईयरली वाइज और 10 साल के फाइनेंशियल, और इसमें जो भी कंपनी करती क्या है आपको सब कुछ बिजनेस मॉडल एज वेल एज फंडामेंटल और फाइनेंशियल आपको समझ में आ जाएगा। अब एक चीज और देख लेते कुछ टेक्निकल से रिलेटेड। तो इस वीडियो उस वीडियो में भी मैंने यहाँ पर टेक्निकल से रिलेटेड ये आपको कुछ बातें बताई थी। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। यहाँ पर देखिए कब विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। इसका जो टारगेट नजर आता है उसका टारगेट इसकी जो डेथ होती है उससे यहाँ पर अगर लगा दे डेथ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पर देखे तो यहाँ पर लगभग इसका जो 46% का आता है, बट ऑलरेडी यहाँ पर शेयर उस टाइम तक चल गया था। अभी थोड़ा सी यहाँ पर गिरावट आई थी यहाँ पर स्टॉक में, बट स्टिल अगर हम देखें तो लगभग 35% का यहाँ पर गेन हमें दिखाई दे रहा है। और ये 35% के गेन के लिए मुझे लगता है कि आपको अगर 6 महीने रुक जाते हैं तो ये शेयर 325 रुपए तक जाता हुआ मुझे दिखाई देता है। और बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो इसका जो यहाँ का वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम यहाँ पर पर कभी भी इस तरीके का वॉल्यूम नहीं आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमेशा कम ही वॉल्यूम रहा है, इस बार का वॉल्यूम कुछ ज्यादा है। और पावर के शेयर जिस तरीके से भाग रहे हैं तो ये शेयर शायद इससे जो दूरी है ये बहुत कम टाइम में यहाँ पर अचीव कर सकता है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर हम इसके RSI की बात करें तो 58 के RSI पे चल रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे तो कल की डेट में शायद ये आपको भागता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट में सब चीज ओके रहा तो ये शेयर कल डेफिनेटली अपन ये अच्छा खासा लेवल ये वाला जो 248 का है 250 इसे क्रॉस करता हुआ आगे निकल सकता है। तो इसी चीज से रिलेटेड वीडियो थी और इस वीडियो को डेफिनेटली आयु देख लीजिएगा, आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, दूसरे लोग शेयर करिए और बोनस को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।